यूपी के सीतापुर में कैबिनेट मंत्री रीटा बहुगुणा जोशी की अध्यक्षता में फसल ऋण मोचन योजना के अंतर्गत ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन गल्ला मंडी परिसर में संपन्न हुआ। इस दौरान मंत्री ने कहा कि जब चुनाव में उनके नेताओं ने ऋण माफी का वादा किया था तो विपक्षों ने कहा था कि सरकार के पास इतना धन कहाँ है जो किसानों का कर्ज माफ कर सके, लेकिन सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने पहली बैठक में ही 31 मई 2016 या इसके पूर्व ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त किया 1,00,000 रुपए तक का ऋण मोचन की घोषणा कर दी। आगे देखना इंदिरा आवास या कोई आवास, समाजवादी आवास, एक साल में 1,00,000 आवास का भी आंकड़ा पार नहीं होता था और बहुत दिक्कत आ रही। हमारी सरकार ने भी पिछले महीने तय किया कि हम लोग 10,000 सोलर पंप सब्सिडी देकर इसी साल इसी वित्तीय वर्ष में किसानों में बड़ी संख्या में नीचे तक स्थानांतरण हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन गया है और अब तो पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि पहले अपराध होता था और अपराधी पकड़ा नहीं जाता था, अब अपराध होता है तो 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर अपराध। आज जिस तरह से लखनऊ में जो बैंक गंभीर विषय है और उसको तत्काल सॉल्व किया जाएगा। कोई भी मामला आसान होगा, पिछले शासन का देखिए 5 डाके यूपी में पड़े थे, 21 साल में एक भी बुला नहीं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, 100 से 1,000 पानी में इस तरह का।